हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं आपको आज का रेसिपी कैसे लगा। तो आज फ्रेंड्स हम एकदम अलग तरीके का आलू का पराठा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बॉयल किया हुआ आलू ले लिया है। यहाँ पे हमने 4 से 5 आलू लिया है। अब इसमें हमने छोटे छोटे बहुत ही बारीक चॉप करके ग्रीन चिली डाल दिया और लहसुन को डाल दिया, और हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को कट किया, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और कलौंजी डालेंगे। इसे पहले अपने हमने हाथों पर अच्छे से क्रश कर लिया था, उसके बाद डाला है, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें थोड़ा सा हम रेड वाली मिर्च डाल देंगे, इसे अचार बोला जाता है। फ्रेंड्स ये वाली अचार से टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास सी वाली अचार ना हो, रेड वाली अचार, तब इसकी जगह आमचूर पाउडर डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब इसे मैसर की हेल्प से ऐसे मैश कर लेंगे। देखिए तो हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है, तो हमारा स्टफिंग बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर से इस तरीके से आलू के पराठे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है वाला स्टफिंग। आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसे आप चोखा भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ इसे चोखा बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक आटे की लोई ले लिया है। अब इसमें स्टफिंग को फिल कर देंगे ऐसे। थोड़े में आटे की लोई को बड़ा ही लेना है, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से पराठे बनते हैं। इसे फील करके एक अच्छा सा इसका हम पराठा बेल लेंगे। थोड़ा सा हमें इसका थिकनेस एकदम, मतलब अच्छा, इसका ज़्यादा थिकनेस, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखना है। देखिए हमने कितने बढ़िया तरीके से इसे बेल लिया है। थोड़ा सा पतला ही पराठा रहता है तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए हमने इसे थोड़ा पतला ही बेला है। अब देखिए हम पराठे को तवे पे डाल के अच्छे तरीके से सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से इसे हमें सेक लेना है। तो फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद तो जरूर से लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें, जिससे कि वो भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे वॉइस को मतलब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, इसलिए यहाँ पे ऐसे मतलब बहुत ही धीरे धीरे से मैं बोल रही हूँ। और मैंने इतने दिन तक मतलब वॉइस ओवर भी नहीं किया था, मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो ट्राई मैं कर लेती हूँ वॉइस ओवर। तो आप अब इसमें हम घी लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद हो, मतलब तेल पसंद हो तो तेल लगा लेना, घी पसंद हो तो घी लगा लेना है। यहाँ पे हमने घी लगाया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे पराठे फूले फूले बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर से मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, जिससे कि उनको भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे अभी मैं रेसिपी लेके आने वाली हूँ, मेरे पास मतलब अभी बहुत ही अच्छे अच्छे वाली रेसिपी है। देखिए इसे हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा टेस्टी बना है ये हमारा पराठा।
देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब कुरकुरा, थोड़ा सा हमने इसे कुरकुरा बनाया जो कि खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, इस ग्रीन चटनी के साथ हम इंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं।